डिक्सन टेक, ये है वो कंपनी जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, और देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ईएमएस सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाने और इनका डिजाइन करने का करती है कारोबार यूपी, उत्तराखंड और साथ ही आंध्रा, इन तीन राज्यों में कंपनी के प्लांट्स हैं। हम मुलाकात करेंगे कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीए भी हैं, सीएस भी हैं, एमडीआई गुरुग्राम से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। फाइनेंस और स्ट्रेटेजी प्लानिंग में 15 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव सौरभ गुप्ता साहब का है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, खासतौर से विदेशी ब्रोकरेजेस, आपकी कंपनी पर बड़े बुलिश हो रहे हैं, रोज रोज रिपोर्ट्स आ रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने पढ़ी सीएलएसी की तरफ से, और उनका ये कहना है कि आप स्मार्टफोन और लैपटॉप्स में 20-25% का मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं आने वाले समय में। तो हमने कहा चलिए आपसी से पूछा जाए जो सीएलएसी सोच रहा है कितना सही है। पहले तो ये समझाएं सर कि इस वक्त कितना मार्केट शेयर है आपके पास में, और क्या आप ये हासिल कर सकते हैं, यदि हाँ तो कब तक? नमस्कार अनिल जी। सो क्लियरली मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ओवरऑल अगर आप देखें मोबाइल एज कम्पेयर टू अदर वर्टिकल जो आपने बताया, तो मोबाइल में जो अपॉर्चुनिटी पूल है वो सबसे बड़ा है, मोबाइल की मार्केट सबसे बड़ी है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि हम आगे आने वाले सालों में इसमें 25-30% का मार्केट शेयर ले पाएंगे। तो टोटल इंडियन मार्केट अगर आप देखें मोबाइल फोन की अराउंड 22 करोड़ की है, जिसमें से 15 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं और 7 करोड़ आपके 2G फीचर फोन बिकते हैं। तो उसमें हमने डिक्सन में अभी इन्वेस्टमेंट्स जो करी हैं, हमने कैपेसिटी ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली है 8 करोड़ मोबाइल फ़ोन की इंडिया में। हमारे 4 प्लांट्स हैं नोएडा में, और हमारी जो ऑर्डर बुक लग रही है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के और जो न्यू कस्टमर्स पाइपलाइन में है, तो हमें लगता है कि उसमें से हम ऑलमोस्ट 6.5-7 करोड़ का मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करेंगे 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप तो जो सीएलएसी से 25% सोच रहे, आप कह रहे हैं कि 30% तक भी आप मोबाइल फोन में जा सकते हैं, और लैपटॉप में सर? लैपटॉप की बहुत ही अपॉर्चुनिटी, लैपटॉप अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एट अ मैन्युफैक्चरिंग लेवल और इंडिया में इंपोर्ट होता है वो ऑलमोस्ट 70-75,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। हमने ऑलरेडी कुछ लार्ज ब्रांड्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए हैं, और हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये भी हमारा, जैसे हम हर वर्टिकल में कोशिश करते हैं एक लार्ज स्केल लेने का, एक लार्ज मार्केट शेयर लेने का, तो हमें लगता है कि आफ्टर मोबाइल्स ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और 2-3 साल में इस बिजनेस में भी हम लोग डेफिनेटली 10-15% मार्केट शेयर लेंगे, जो पूरी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है। गुप्ता साहब ये बताएं कि 25-30% का मोबाइल फोन्स में मार्केट शेयर लेने में कितना समय लग सकता है, कब तक हासिल करेंगे? मुझे लगता है कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर ये डेफिनेटली अचीवेबल है। ओह, काफ़ी फास्ट है इसका मतलब, तो 12 से 18 महीने तो काफ़ी बढ़िया कहा जाएगा। अच्छा, आपके जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, अप्लायंसेज हुए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, सिक्योरिटी सिस्टम्स, तीसरी तिमाही में जो हमने आपके नतीजे देखे तो बड़े मजबूत आए थे इन तीनों स्पेस से, ये बताएं सर इस तिमाही में और आने वाले समय में कैसी ग्रोथ दिख रही है इनमें? सर देखिए, इसमें आपको मोबाइल बिजनेस में डेफिनेटली क्वार्टर क्वार्टर आपको हर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। क्वार्टर 3 जनरली हमारा स्लो होता है, दिवाली के बाद देयर इज ऑलवेज थोड़ा सा इन्वेंट्री ऑलरेडी चैनल में होती है, तो क्वार्टर 4 बहुत वॉशिंग मशीन के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लिए जनरली बेटर रहता है क्वार्टर 3 एज कम्पेयर टू क्वार्टर 3। और हमें लगता है कि हर वर्टिकल में पोटेंशियली क्वार्टर 4 की ग्रोथ बेटर होगी क्वार्टर 3 से, चौथी तिमाही की ग्रोथ बेहतर होने की उम्मीद है। आपने सर टैबलेट्स वगैरह नोटबुक्स के लिए कोई आईटी स्कीम की या पीएलआई स्कीम की शुरुआत करने वाले हैं, या सिर्फ आईटी हार्डवेयर में, अभी आपकी पीएलआई स्कीम में? हाँ, सो आईटी हार्डवेयर में अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो नोटबुक, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और आपके ऑल इन वन पीसी, तो इसमें क्लियरली हमने 2 लार्ज कस्टमर्स को, ग्लोबल कस्टमर्स को हमने साइन अप किया है, और उनके साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, और ये डेफिनेटली हम PLI 2 के जो हार्डवेयर PLI 2 है उसके बेनिफिशियरी हैं, और गवर्नमेंट इसमें कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शन भी कर रही है इम्पोर्ट्स में। अभी गवर्नमेंट इस डेटा को वाली मॉनिटर कर रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये इम्पोर्ट होता है और हमारी नेबरिंग कंट्री से इम्पोर्ट होता है। सो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ये इंडिया में ही बने, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में ही बने, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटी हार्डवेयर हमारी मोबाइल्स के बाद।
ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब आपका समय दिया आपने और विस्तार से अपने मार्केट शेयर को और आगे की ऑर्डर बुक को लेकर आपने हमारे दर्शकों के सामने राय रखी। उम्मीद करते हैं कि आपकी मार्केट लीडरशिप 30% तक स्मार्टफोन के मामले में बहुत जल्दी पहुंचती हुई दिखे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, होली मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी होली की और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं डिक्सन टेक में।